वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस की एक इम्पोर्टेंट सीरीज जो कि आपके मेनो फर्टिलाइजर एंड सोइल फर्टिलिटी से होने वाली है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों सभी पौधों के लिए आपके कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कितने? 17 पोषक तत्व दोस्तों आपके आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मुख्य तत्व का उदाहरण है। दोस्तों जो फास्फोरस है आपके मुख्य पोषक तत्व का उदाहरण है। जो आपके NPK होते हैं, क्या NPK ये क्या होते हैं, आपके मुख्य पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को खाद के रूप में प्रयोग की संस्थिति किस फसल में दी जाती है। दोस्तों जिप्सम का उपयोग खाद के रूप में मूंगफली की फसल में संस्थिति की गई कि मूंगफली में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिब्डेनम ग्रहण का सर्वाधिक होता है। मोलिब्डेनम का जो ग्रहण है दोस्तों सर्वाधिक बरसीम में होता है। किस फसल में होता है? बरसीम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीलहरी सेवाल से किस फसल को ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों नीलहरी सेवाल से आपके धान को ज़्यादा फायदा होता है और राइजोबियम जो कल्चर होता है सोयाबीन के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन फास्फेट घोलक बैक्टीरिया है। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि फास्फेट को घोलने का कार्य करता है। दोस्तों बेसिलस मेगाथीरियम। कौन सा? बेसिलस मेगाथीरियम जो होता है ये फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों जो धान का खैरा रोग है ये जिंक की कमी से होता है। किसकी? जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असिंचित जो में फास्फोरस उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों जो असिंचित जो होती है उसमें फास्फोरस जो होती है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपयोग लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिंचित फास्फोरस में उपयोग लाई जाती है तो कितनी? 20 किलोग्राम। असिंचित फास्फोरस जो में कितनी? 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म या विरल पोषक तत्व भूमि में मिलता है। दोस्तों लोहा मैग्नीज बोरान ये सभी कौन से सूक्ष्म या विरल पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। दोस्तों तो यूरिया में आपकी 46% नाइट्रोजन होती है। कितनी? 46% नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अधिकतर नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों जो पौधे होते हैं अधिकतर नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों जो आपकी जो होती है, क्या? जो होती है हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लोरोफिल संरचना क्या? क्लोरोफिल संरचना में कौन सा पोषक तत्व सम्मिलित है। दोस्तों क्लोरोफिल संरचना में आपका जो मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल संरचना में सम्मिलित पोषक तत्व है। कौन? किसमें? क्लोरोफिल संरचना में सम्मिलित पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की न्यूनता सर्वप्रथम लक्षित होती है। तो लोहे की न्यूनता सर्वप्रथम नवीन पत्तियों पर लक्षित होती है। किन पर? नवीन पत्तियों पर लक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान में क्रांतिक स्तर। दोस्तों ये धान में नाइट्रोजन का क्रांतिक स्तर कितना होता है? 1.40% होता है। कितना? 1.40% होता है। कितना? 1.40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद सांद्रित खाद नहीं है। दोस्तों जो आपका FIM होता है, कौन सा? फार्म यार्ड मैन्योर, ये एक सांद्रित खाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका है, कौन सा पोषक तत्व है जो भूमि में जो पौधों में बीमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दोस्तों जो आपका कौन सा होता है? पोटास। क्या? जो पोटास होता है ये पौधों में बीमारी रोधक क्षमता मतलब कि जो डिसीज रेसिस्टेंट जो होता है इसमें बढ़ाता है, मतलब रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता प्रदान करता है, प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? आपका पोटास प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक का प्रयोग कुल करीब होता है। दोस्तों भारत में उर्वरक का लगभग 16 मिलियन टन प्रयोग होता है। कितना? 16 मिलियन टन उर्वरक प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे प्रमुख जीवाणु खाद कौन सी है। दोस्तों जो राइजोबियम होती है आपकी, कौन सी? राइजोबियम है ये सबसे प्रमुख जीवाणु खाद, मतलब जैविक कल्चर है। कौन सा? जैविक कल्चर या फिर आपका बायो फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है। तो दोस्तों आपकी जो बाजरा होता है, क्या? आपका बाजरा एक हरी खाद की फसल नहीं है। बाजरा हरी खाद की फसल नहीं है। और जो ढेंचा होता है, ये ढेंचा आपकी हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल माना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम आपका सेजवानिया एक्युलेटा होता है। क्या? सेजवानिया एक्युलेटा होता है। और ढेंचा के पश्चात यदि हम देखें तो सनाई क्या होता है? आपका दूसरे नंबर पर हरी खाद के लिए उपयुक्त पौधा होता है, जिसका वानस्पतिक नाम आपका क्रोटोलेरिया जंसिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फसलें जड़ों द्वारा नाइट्रोजन नहीं लेती। किसमें? अमोनिया के रूप में। फसलें जड़ों द्वारा जो नाइट्रोजन होती है अमोनिया के रूप में ग्रहण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रहित मिट्टी में नाइट्रोजन ह्रास का प्रमुख रास्ता
कौन क्या होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ऑक्सीजन रहित मिट्टी में नाइट्रोजन ह्रास का जो रास्ता होता है दोस्तों, यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किस बीज में आवश्यक होता है, तो राइजोबियम कल्चर का उपयोग जो होता है आपके अरहर के बीज में उपयोगी होता है, क्योंकि यह एक दलहनी फसल होती है, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर उपयुक्त होते हैं। यूरिया में बायोरेट की स्वीकार्य मात्रा, दोस्तों यूरिया में बायोरेट की जो स्वीकार्य मात्रा होती है 1.5% होती है, और यूरिया नाइट्रोजन को एमाइड रूप में ग्रहण करता है। 1.5% कितनी होती है, 1.5% यूरिया में बायोरेट की स्वीकार्य मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, तो नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होता है, कौन सा नाइट्रोसोमोनास जीवाणु जो होता है नाइट्राइट नाइट्रोजन में अमोनियम नाइट्रोजन को, किसको, अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, कौन, नाइट्रोसोमोनास अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए अनावश्यक परंतु लाभकारी है, ऐसा कौन सा तत्व है जो अनावश्यक है लेकिन लाभकारी है, तो सिलिकॉन जो होता है आपका पौधों के लिए अनावश्यक परंतु लाभकारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रीकरण करता है, तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रीकरण का कार्य करता है, जो अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-32-16 ग्रेड के उर्वरक मिश्रण में 16 किसकी संख्या है, दोस्तों 16 आपके फास्फोरस की संख्या होती है, किसकी, 16 फास्फोरस की संख्या होती है, 2 नाइट्रोजन की संख्या, 2 जो है आपके नाइट्रोजन की संख्या होती है, और जो 16 है ये आपके पोटास की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका म्यूरेट ऑफ पोटास, और पोटास उर्वरक में पाया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक में 60% पाया जाता है, कितना 60% पाया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक में पोटास कितना पाया जाता है दोस्तों, 60% पाया जाता है। जस्ता पौधों द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है, दोस्तों जो जस्ता होता है पौधों द्वारा जिंक +++ के रूप में ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमोनियम फास्फेट उर्वरक में पाया जाता है, तो जो डायमोनियम फास्फेट उर्वरक है इसमें आपका 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाया जाता है, कितना 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट में क्या पाया जाता है, तो आपका 60% जो होता है आपका P2O5, क्या 60% P2O5 पाया जाता है, और डबल सुपर फास्फेट में 32% एंड ट्रिपल सुपर फास्फेट जो होता है उसमें आपका 48% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बताओ जिसमें 1 क्विंटल DAP के प्रयोग से नाइट्रोजन व फास्फोरस की प्रति हेक्टेयर मात्रा की पूर्ति होती है, तो अरहर, कौन सी फसल में, अरहर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है कि 1.03 नाइट्रोजन ताजे गोबर में पाई जाती है, इसके 1.03 जो % नाइट्रोजन होती है भेड़ के गोबर में पाई जाती है, किसके गोबर में पाई जाती है, भेड़ के गोबर में पाई जाती है। लीचिंग द्वारा किस पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा की हानि होती है, तो नाइट्रोजन की, लीचिंग द्वारा नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनई की हरी खाद की फसल को भूमि में दबाने का सही समय कौन सा होता है, तो 5 से 6 सप्ताह का, कौन सा, सनई की हरी खाद को भूमि में दबाने का उपयुक्त समय 5 से 6 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास है, तो म्यूरेट ऑफ पोटास आपका पोटेशियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों, यह एक म्यूरेट ऑफ पोटास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि बारानी फसलों में उर्वरक लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो घरी बुआई होती है, क्या होता है, घरी बुआई ही बारानी फसलों में उर्वरक लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक तथा जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है, तो उर्वरक तथा जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है धान की, किसकी, धान की, और सबसे ज़्यादा जल की जरूरत किसे होती है दोस्तों, सबसे सर्वाधिक जल की जरूरत भी इसे ही होती है, और जल व उर्वरक क्षमता भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि खाद के गड्ढों में से अमोनिया को गैस के रूप में उड़ने से बचाने हैं, तो किस परिरक्षक का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो सुपर फास्फेट का, कि खाद के गड्ढों में से अमोनिया को गैस के रूप में उड़ने से बचाने हेतु सुपर फास्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया से नाइट्रेट में रूपांतरण को क्या कहते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन का कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने टॉप 30 क्वेश्चंस का बोला था, लेकिन आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन हमने 10 मिनट के अंदर दे दिए हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को कम नाइट्रोजन तथा अधिक फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, तो किन को, दलहनी फसलों को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी की फसल में निम्न में से कौन सा खाद नहीं डाला जाता, दोस्तों अलसी की फसल में पोटास नहीं डाला जाता है, और जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें कम नाइट्रोजन और अधिक फास्फोरस की आवश्यकता होती है, अलसी की फसल में जो है आपका पोटास नहीं डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है, दोस्तों जो आपको क्या होता है, मैंगनीज एक सूक्ष्म तत्व है, क्या है, मैंगनीज एक सूक्ष्म तत्व है दोस्तों, जो आपकी मैनुअल फर्टिलाइजर एंड
सोइल फर्टिलिटी का ये दोस्तों लगभग आपका नवा आठवां या नवा पार्ट है। तो दोस्तों इसके पहले जो 7 पार्ट अपलोड किए गए हैं उनकी प्लेलिस्ट भी दी गई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक भी दी गई है। तो आप जाकर के उन सारी वीडियोज़ को भी देखिए, इसको भी देखिए और साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन की एक और सीरीज आप बहुत जल्दी आपके अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।